प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सेट के बारे में चर्चा करी थी। आज हम एक और क्वेश्चन सेट लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्वेश्चन है, डोगरी किस भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जवाब है इसका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? जवाब है इसका 26 अक्टूबर 1962 को। तीसरा सवाल है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? जवाब है इसका 21 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इसका जवाब है एक। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? जवाब है इसका वित्त आयोग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? जवाब है 22 भागों में। भारतीय लोकतंत्र ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। यहाँ पर राष्ट्रपति का पद गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ना कि वंशानुगत है। अगला प्रश्न, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यह जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण के आधार पर। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाब है इसका जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? जवाब है इसका गुट निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जवाब है इसका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? जवाब है आयरलैंड। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? जवाब है इसका झारखंड। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जवाब है इसका दक्षिण अफ्रीका। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? आंसर है इसका 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? जवाब है इसका 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? जवाब है इसका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका जवाब है 30 वर्ष। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? जवाब है संसदीय मामले के मंत्री। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? जवाब है इसका 1957 केरल में। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन आता है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? जवाब है इसका सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? जवाब है इसका प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? जवाब है 1975 में। भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था कौन से अधिनियम से ली गई? इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जवाब है इसका नीलम संजीव रेड्डी। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? जवाब है महात्मा गांधी ने। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? V.S. रमा देवी आंसर है इसका। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? जवाब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। पांडिचेरी को किस भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? जवाब है 1962 में। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो इसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? इसका आंसर है 60 दिन तक। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्य सभा। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है यानी कि उसे राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? जवाब है इसका 5। राज्यसभा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? जवाब है इसका नागौर जिले से। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारीलाल नंदा द्वारा प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका जवाब है 208 प्रतिनिधि। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जवाब है इसका संसद। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। धन्यवाद। अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।